तो राजपूत भाई वहां लड़ रहे थे, लेकिन अगर आप लोगों को अपना अस्तित्व बचाना है, एक बार ये 2024 का चुनाव, उसके बाद जहां भी विधानसभा का चुनाव है, इस भाजपा को अपनी गिनती करानी पड़ेगी। जिस विधानसभा पर राजपूत 30,000 है ना, उसका एंटी वोट करो, अपना आदमी खड़े करो। पहले तो सबसे बड़ी समस्या है, सुन लो, यहाँ जाट इतने से हैं, जाटों ने अपना एक संगठन बनाया, उन्होंने उसे एक राजनीतिक दल बनाया। आज उनको ऑप्शन है, अगर भाजपा उनके खिलाफ कुछ करती है ना, तो वे फिर वोट दे रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात देखो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितना भी जाट है, सारा बीजेपी के खिलाफ। और उत्तर प्रदेश का जो अध्यक्ष है वहाँ का, वो गुज्जर है, जाट है। जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है वो जाट है, जो पश्चिम का अध्यक्ष था संगठन का वो जाट है। भाई साहब, बिना मांगे तो माँ के दूध नहीं पियाती, बात ना सीख लो। मांगना नहीं, छीनना सीख लो। ये जो कमेटी अंदर बात कर गई हमारे भाई है, मैं इस बात का कोई दो राय नहीं रखता। अभी सहारनपुर के अंदर 29 तारीख को गुजरात में चैलेंज करा था, उन्होंने अपने घर में यात्रा करी थी, हमने सहारनपुर में यात्रा करी थी, लेकिन वहाँ का जो डीएम था राजपूत था, उसने आश्वासन दिया कि मैं आपकी बिरादरी का हूँ, हमारे साथ गलती हुई, हमने विश्वास करा। प्रशासन किसी का नहीं होता, कोई भाई कह रहा था प्रशासन मारा है, प्रशासन किसी का नहीं होता, प्रशासन होगा सरकार का। और बाहर आगे ने कह के लठमारो लठमारेंगे, यहाँ से बैठो, चाहे वहाँ भाई खावे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऑडी बैठा ने भाई, उड़ी का मेरा ऑडा बैठा में जाएगा, मिलता लड़ने मरने का। कोई नहीं जा रहा है यार, संघर्ष करेगा, जो भी संघर्ष करेगा, राजनीति का हो जो राजनीति का संघर्ष करेगा, उसे अभी कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। जो समाज का संघर्ष करेगा, चाहे सुरेश राणा हो, चाहे हमारे शेर सिंह राणा हो, चाहे हमारे पूरन सिंह जी हो, जितने भी समाज का संघर्ष करेगा, समाज ने उसे बढ़ाया। और ये दुर्भाग्य है हमारा इन नेताओं का, जब इन्हें कुर्सी मिल जाए, एक भी नेता आज तक किसी का बयान आपके पक्ष में आया हो क्या? कंवर पाल को अपनी कुर्सी का डर नहीं है, केवल हमारे राजपूत नेताओं को अपनी कुर्सी का डर है। अपने उस नेता का नाम बता दो जिसने हरे पक्ष को कोई बात कही हो, हरियाणा या उत्तर प्रदेश में एक भी राजपूत नेता का बयान, जिंदगी तमाह भारत करो, मैं कह रहा अगर घर आओ पानी पियाना बंद करो। इन्हें यह पता लगना चाहिए समाज बड़ा है, आप लोगों का दुर्भाग्य है ना, तो समाज की कोई पार्टी है। एक ऑप्शन हमें भाई शेर सिंह राणा ने दे दिया, आप लोगों का दुर्भाग्य है। भाई शेर सिंह राणा जिंदाबाद, आप लोगों का दुर्भाग्य ये है कि आपका सामाजिक संगठन मजबूत नहीं है। इतने बड़े बड़े संगठन नाम सुनकर गाड़ियों का मुंह नहीं कर जाए, लेकिन वह जिसके ऊपर काम करें वो पहले ऊपर संगठन मजबूत नहीं करते। एक ही बता दो, राजस्थान के अंदर एक आंदोलन करे, आप लोगों का ध्यान होगा, उससे बड़ा आंदोलन पूरे भारत में एक जाति का किसी का नहीं हुआ। लेकिन हमारी मांग क्या थी भाई, जो SC ST एक्ट आज का नहीं लग रहा, ये जो हमारे बड़े बूढ़े जो एक पीढ़ी माता पहले चली गई ना, जो सब उनका दुर्भाग्य हम खेल रहे। SC ST सही भी हमारी है, हम बीजेपी को वोट दे रहे। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा SC ST में 70% मुकदमे फर्जी आए, एक उन्होंने अपनी तरफ से उसमें इम्प्लीमेंट कराया, उसमें उन्होंने बहुत सारा चेंज कराया। DC रैंक से नीचे का अधिकारी जांच नहीं करेगा, क्योंकि SO दरोगा पैसे ले रहे, DC पैसे लेता वो डर है। लेकिन इसी BJP ने बहुमत लेकर दोबारा आप लोगों के खिलाफ 23 नए कानून जोड़ कर थूकने तक का कानून है उसमें, तो BJP थारी कैसे होगी? मैं पूछ रहा आपसे, ये पट्टे पहनने छोड़ दो, ये जो मंडल अध्यक्ष बढ़ गए छोटे छोटे पद ले ना, भाई देख लेता अपनी सेटिंग कर लिया। राजपूत के 1,000 लड़के मंडल का मंडल अध्यक्ष है, अगर वो अखबार के माध्यम से ये कहते ये बड़ा मंडल अध्यक्ष है, बड़ा कमंडल अध्यक्ष, इस सरकार की चूड़े व्यक्ति पर मैं लिख कर दे रहा, जिस समाज को गुलामी करने के आदमी आते हैं ना, वो गुलामी ही करता है। अगर आपका स्वाभिमान जिंदा है ना, तो DC कुछ कर सकता ना SP कुछ कर सकता। अपना स्वाभिमान जागृत करो, नमक लौटा गिरो, BJP का केवल 5 साल के लिए बहिष्कार करो, हमारे घुटनों बाद BJP माथा टेक दी मिलेगी, तो हमने माथा टेक कर जाने।